हेलो स्टूडेंट्स, कल आप सभी ने देखा कि हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा। नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, और उसके साथ साथ हमने अपनी प्रीवियस नॉलेज को भी रिवाइज किया। और कल हमने आपको 1.1 की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दे दी थी, साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे। आई होप आपने वो प्रैक्टिस क्वेश्चन किए हों और उसमें आपको कोई डाउट ना आया हो। आज हम बात करते हैं 1.2 की। 1.2 में टोटल वैसे 4 क्वेश्चन हैं, बट हम यहाँ पे आपको सिर्फ 2 ही एक्सप्लेन करूँगी, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में ये भी इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है एंड कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 आपका ट्रू एंड फॉल्स बेस्ड पे है। ये कहता है कि एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, कि जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। अब हम यहाँ पे बात कर लें कि इरेशनल नंबर होते क्या हैं। मैंने जैसे कि आपको कल भी बताया था कि इरेशनल नंबर्स वो होंगे जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, यानी कि जो नंबर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट हो सकता, उस नंबर को हम इरेशनल नंबर बोलेंगे। कल मैंने आपको एक और बात बताई थी कि आपके इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर दोनों को मिलाकर रियल नंबर बनते हैं। तो अगर हम ये बात कहें कि हर इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है, तो ये बात सही होगी, यानी कि ये ट्रू होगा, क्योंकि हर इरेशनल नंबर रियल नंबर होता ही होता है, क्योंकि इरेशनल नंबर इज़ अ पार्ट ऑफ रियल नंबर। सेकेंड स्टेटमेंट इज Every point on the number line is in the form of root m, where m is a natural number. ये कह रहा है कि जो भी number line पे आप number represent कर रहे हो, suppose आपकी ये real number line है, यहाँ पे कहीं पे 0 है, फिर 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, फिर 1 आपका आ गया, तो इस तरह से कुछ numbers होंगे। यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर root 4 में यहाँ पे लिखो, रूट फोर होता है इक्वल्स टू 2 के, तो कहीं आगे चल के 2 भी होगा, और वो भी रिप्रेजेंट किस पे हो रहा है, नंबर लाइन पे हो रहा है। तो यानी कि ये बात भी, ये स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू है कि हर नंबर नंबर लाइन पे जो रिप्रेजेंट होता है वो रूट एम की फॉर्म में होता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं थर्ड पार्ट की, एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। मैंने आपको कहा था इरेशनल नंबर रियल नंबर का पार्ट होता है, और रियल नंबर कंप्लीट होता है, यानी कि कंप्लीट नंबर इरेशनल, रियल नंबर इरेशनल का पार्ट नहीं है, इरेशनल रियल का पार्ट है। तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो जाती है, क्योंकि रियल नंबर्स में हमारे रैशनल भी इंक्लूड होते हैं। तो जब हमारे इसमें रैशनल नंबर इंक्लूड हो जाते हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या बन जाती है, फॉल्स बन जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख रहे हो, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इरेशनल। ये कह रहा है कि जितने भी स्क्वायर रूट हैं पॉजिटिव इंटीजर्स के, क्या वो सारे इरेशनल होते हैं, और अगर नहीं तो आपको एक एग्जांपल देना होगा। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि मैथमेटिक्स में ना करने के लिए हमें सिर्फ एक एग्जांपल देना होता है और पूरी बात सही हो जाती है। तो यहाँ पे हम बात कहेंगे कि ऐसा सही नहीं है, यानी कि आंसर इज नो, क्योंकि सारे पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल नहीं होते हैं जो स्क्वायर रूट में आते हैं। एग्जांपल देखते हैं, पॉजिटिव है 25 और ये अंडर रूट में भी है, तो अंडर रूट 25 5 के इक्वल होता है, और 5 आपका क्या है, एक रैशनल नंबर है। 5 रैशनल नंबर है, इसका मतलब ये जो ऊपर स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। तो यानी कि ये जो पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, तो इसका आंसर इज नो, क्योंकि वो रैशनल भी होते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सेकेंड एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर फर्स्ट। जो थर्ड एक्सरसाइज है वो हमारी डेसिमल नंबर पे बेस्ड है, हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है कुछ नंबर्स को, देन हमें रैशनल में फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए मैं कल भी मैं आपको अपने लेक्चर में बता चुकी हूँ, और आज भी मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। मैंने कल बताया था कि जो डेसिमल नंबर होते हैं, डेसिमल नंबर्स क्या हैं वो देख लेते हैं। डेसिमल नंबर्स जो भी नंबर डेसिमल में लिखा जाए, 1.25 ये एक डेसिमल नंबर हो गया, 0.35 ये एक डेसिमल नंबर हो गया, तो जो भी नंबर हम डेसिमल में लिखते हैं वो डेसिमल नंबर कहलाते हैं।
अब डेसिमल नंबर दो तरीके के होते हैं यहाँ पे, जैसे आप मेरा एग्जांपल भी देख रहे होंगे, एक वो जो ख़त्म हो गया है यानी कि टर्मिनेट हो गया है, और दूसरा वो जो टर्मिनेट नहीं हुआ है यानी कि। तो हम यहाँ पे इस बेसिस पे हमने डेसिमल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, फर्स्ट इज़ टर्मिनेटिंग एंड सेकेंड इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि टर्मिनेटिंग नंबर कौन से होते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर हम उन्हें बोलेंगे जिनका रिमाइंडर ज़ीरो बन जाए, यानी कि जब हम उसे डिवाइड करें आफ्टर डेसिमल कहीं पर जाके वो ज़ीरो बन जाए। एंड नॉन टर्मिनेटिंग वो नंबर्स होंगे जिनका रिमाइंडर कभी भी ज़ीरो में ना बने, यानी कि हम उसको डिवाइड करते जाएं, डेसिमल भी पुट कर दें, उसके बाद भी वो ज़ीरो ना आए, वो नंबर आपके कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। दोनों के एग्जांपल आपको स्क्रीन पे नज़र आ ही रहे होंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे दूसरे नॉन टर्मिनेटिंग के एग्जाम्पल देखते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल है यहाँ पे 1/3 इज इक्वल्स टू 0.333 एंड सो ऑन। सेकेंड इज 1/7 इज इक्वल्स टू 0.142857। ये जो ऊपर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर रखी है इसे हम बोलते हैं बार, और इसका मतलब होता है कि ये कंप्लीट नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि दोबारा फिर से आ रहा है, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। आप देख रहे होंगे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स यानी कि जिसका रिमाइंडर ज़ीरो ना बने, वो दो तरीके के हैं, एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग एंड सेकंड इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का मतलब है कि नंबर टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ उसमें एक क्वालिटी है कि वो नंबर बार बार आ रहा है। अब वो नंबर एक भी हो सकता है, वो नंबर दो भी हो सकते हैं, वो नंबर थ्री भी हो सकते हैं, चार भी एंड सो ऑन, वो नंबर कितने भी हो सकते हैं, और वो दो के बाद भी आ सकते हैं, एक के बाद भी आ सकते हैं, तीन के बाद भी आ सकते हैं, वो कितने नंबर के बाद भी आपके आ सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर। सेकंड टाइप इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इसमें आपका ना तो वो टर्मिनेट होता है, ना तो वो ख़त्म होता है, और ना ही उसके अंदर कोई क्वालिटी है लाइक, ना ही वो बार बार रिपीट होता है। तो जो नंबर ना तो टर्मिनेट हो ना रिपीट हो उसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर। यानी कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि इसके बाद ये ख़त्म होगा या नहीं होगा। तो ये था कंप्लीट आपका डेसिमल नंबर, और इस कंसेप्ट की हमें रिक्वायरमेंट आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में होगी, दैट इज़ 1.3। तो कल हम आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट।